उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर से शर्मसार करने वाला हादसा नजर आया है। हाथरस की तरह बरेली में भी किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से अनुसूचित जाति की एक किशोरी और उसके रिश्तेदार एक बालिका का रविवार रात अपहरण कर लिया गया और चलती कार में किशोरी से दरिंदगी की गई। घर वालों के साथ ही पुलिस ने पीछा करके दो लड़कों को पकड़ लिया। अपहरण कस्बे के एक स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ने वाली किशोरी व उसकी चचेरी बहन की बेटी का हुआ। भांजी कक्षा 1 में पढ़ती है। किशोरी के पिता के मुताबिक वो दोनों रविवार रात 9 बजे घर से बाहर बने शौचालय में गए थे। वहां पहले से ही कस्बे का फैजल कार लिए खड़ा था। उसने किशोरी व भांजी को अपने साथियों की मदद से जबरन कार में पकड़कर डाल दिया। तभी बाहर निकली किशोरी की भाभी ने यह सारा नज़ारा देखा और उसने शोर मचाया। इस पर फैजल उन दोनों को कार से लेकर भाग गया। सूचना पर तलाश में जुटी पुलिस ने घारमपुर पुलिया के पास कार रोक ली। किशोरी और भांजी को कार में ही बरामद कर लिया। फैजल व उसके एक दोस्त को पकड़ लिया गया। किशोरी ने बताया कि चलती कार में उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और मामले की पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।